सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने विज्ञान कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये पाठ आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। कल हमने इस पाठ को पूरे विस्तार से इसका हमने अध्ययन किया था, आज इसके प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे। एक बार फिर से पाठ को समरी के रूप में हम देखते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के जो भौतिक गुण हैं उन भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, और इसमें किसी पदार्थ के जो केवल भौतिक गुण हैं वही परिवर्तन वाले होंगे। और भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, और ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी कि पदार्थ का आकार, उसका साइज, रंग और अवस्था, ये जो गुण होते हैं ये उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। और भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, और सामान्यतः यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। वापस जो पदार्थ नया बना है उससे पहले वाला पदार्थ बन सकता है। और जो एक दूसरा परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन की हम बात करते हैं तो ये इसमें पहले हमने जो रासायनिक परिवर्तनों के जो उदाहरण थे उन उदाहरणों पर हमने चर्चा की थी, और उसके बाद में इन सारे उदाहरण के द्वारा हमने स्पष्ट किया था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें एक नया पदार्थ बनता है और यह परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होता। नया पदार्थ बन गया तो फिर पहले वाला पदार्थ उसमें नहीं बन सकता, पदार्थ का एक नया रूप हमारे सामने आएगा। उसके बाद में लोहे में जंग लगने के विषय में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हवा और जलवाष्प यह जंग लगने के लिए आवश्यक है। उसके बाद में हमने अंत में इसमें क्रिस्टलीकरण की बात की थी, और इसके बाद में जो पाठ का सार है, परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक और रासायनिक। और भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते, और ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं, कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमारा जो चैप्टर चल रहा था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, कल हमने उसको पूरा किया था, और आज उसके हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा जल में शक्कर को घोलना, तीसरा है कोयले को जलाना, चौथा है मोम को पिघलाना, और पांचवा है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फॉइल बनाना, और छठा है भोजन का पाचन करना। चलिए इसको हम देखते हैं। तो जो इसमें भौतिक परिवर्तन वाली जो बातें हैं वो है जल में शक्कर को घोलना, मोम को पिघलाना, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र यानी फॉइल बनाना, ये सारे के सारे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। और इसमें जो रासायनिक परिवर्तन है वो तीन है, प्रकाश संश्लेषण, कोयले को जलाना और भोजन का पाचन। दूसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखना है।
चलिए देखते हैं हम। पहला कथन है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। यह कथन असत्य है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, यह भी असत्य है, क्योंकि पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा है, जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, यह सत्य है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, यह असत्य है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब उस पर जंग लगता है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है और जंग एक नया पदार्थ बनता है। अगला है, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह कथन सत्य है, क्योंकि भाप का संघनन भौतिक परिवर्तन है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहला है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है, तो खाली स्थान में आएगा कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। तीसरा, ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है वह है ग्रीज लगाना और जस्तीकरण, ये दो इसकी विधियां हैं। अगला है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और अगला है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस बनती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, इसको समझाइए। देखिए, यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया उत्पाद बनता है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा प्लस नींबू का रस। तो नींबू का रस अम्ल है, अब इन दोनों की क्रिया से लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनेगा। नींबू एक अम्ल है जो खाने के सोडे जो कि एक क्षार है उससे अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, और यह एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया है क्योंकि खाने का सोडा क्षार हो गया और नींबू का रस अम्ल हो गया, तो क्षार और अम्ल क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन करते हैं और इसमें लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें निकलेगी और जल बनेगा। अगला है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। चलिए इसका उत्तर प्रारंभ करते हैं। भौतिक परिवर्तन, गर्म होने पर मोमबत्ती का मोम पिघल जाता है, यह एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि यह फिर से ठंडा होने पर ठोस मोम में बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन, लोह के पास का मोम जलता है और कार्बन जैसे नए पदार्थ देता है, तो डाइऑक्साइड, कार्बन की कालिख, जलवाष्प, गर्मी और प्रकाश। भोजन पकाना एक और उदाहरण है जहां शारीरिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। छठा प्रश्न देखिए, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? उत्तर देखिए, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि एक नया पदार्थ लैक्टिक एसिड बनता है और मूल पदार्थ वसा और प्रोटीन यानी दूध से जो कि स्वाद में भिन्नता रखता है, साथ ही बदलाव भी हो जाता है, और यह अपरिवर्तनीय है यानी यह उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, दही को दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो हमने ये इस उत्तर से ये सिद्ध हो जाता है कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। सातवां प्रश्न देखिए इसका, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन
क्यों माना जाता है? उत्तर होगा, लकड़ी को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने पर लकड़ी एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है और इस अभिक्रिया में राख यानी कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, जलवाष्प, गर्मी और प्रकाश जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं और यह परिवर्तन अपरिवर्तनीय होता है। जबकि हम लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मूल लकड़ी की संरचना नहीं बदलती, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आठवां प्रश्न, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल निम्न अनुसार तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले एक बिकर में पानी लेंगे और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे। पानी को गर्म करेंगे, जब यह उबलने लगे तो इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे धीरे मिलाएंगे और लगातार हिलाते रहेंगे और संतृप्ति स्तर तक कॉपर सल्फेट पाउडर डालना जारी रखेंगे। इसका मतलब हुआ, यानी कॉपर सल्फेट पाउडर को तब तक डालेंगे जब तक कि वह उसमें मिलना बंद नहीं हो जाए। अब जो घोल बन गया उसको छान लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने पर घोल को उतार कर छोड़ देंगे और कुछ घंटों के बाद जो ये कॉपर सल्फेट का विलयन था, इसमें हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देने लग जाते हैं। हम उनके क्रिस्टल का निरीक्षण कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है? उत्तर होगा, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी या जलवाष्प दोनों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पेंट का जब हम कोट कर देंगे तो ये हवा और ऑक्सीजन के साथ लोहे के सीधे संपर्क को रोक देता है और इस तरह जंग लगने से रोक लग जाती है। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगता है? क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में ही हमने बात कही थी कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तटीय क्षेत्रों में रेगिस्तानी क्षेत्रों की तुलना में हवा में नमी की मात्रा अत्यधिक ज़्यादा होती है, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में नमी कम होती है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। 11वां प्रश्न है, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में जब एलपीजी द्रव के रूप में होती है तो सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, फिर यही गैस जलती है। तो परिवर्तन, निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है। अब सही कथन का अपने को चयन करना है, यानी कि हम जिस रसोई में गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित रूप में सिलेंडर में रहती है और जब वह सिलेंडर से बाहर आती है तो वह गैस में परिवर्तित हो जाती है, फिर यह जलने लग जाती है। तो इस कथन के संबंध में कौन सा कथन ठीक है, इसकी बात करते हैं। कथन एक, प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, या इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका सही उत्तर यह होगा, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि जब गैस जल रही है वही एक रासायनिक परिवर्तन है। 12वां प्रश्न है, अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट को पचाते हैं और बायोगैस परिवर्तन ए का उत्पादन करते हैं। बायोगैस फिर ईंधन के रूप में जलता है, परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कौन सा है ये अपने को चुनना है। पहला है, प्रक्रिया ए रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रिया बी एक रासायनिक परिवर्तन है, ए और बी दोनों प्रक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से कोई भी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों प्रक्रियाएं
रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से ये हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन इस पाठ में जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न थे उन प्रश्न के उत्तर हमने निकालने के प्रयास किया, उन प्रश्नों को हमने हल किया है। इस पाठ में से और अच्छे अच्छे प्रश्न बनने की बहुत संभावनाएं हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसमें से और प्रश्न स्वयं छांटिए, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, छोटे बड़े, और इन प्रश्नों को इनके साथ में लिख लीजिए। किसी प्रकार की समस्या यदि आपके आती है तो आप मुझसे संपर्क